हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो गुड न्यूज़ है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो 100 सीट अपनी MBBS पूर्व कोटा के अंडर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है इसी साल से। तो ये मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है, आइए पढ़ के बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, द राजस्थान गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टेक अप अ ह्यूज स्टेप इन एनहेंसमेंट ऑफ इट्स MBBS पूर्व कोटा एट 3 मेडिकल कॉलेजेस रन अंडर इट इन कोटा, अजमेर एंड उदयपुर। दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर इट्स रिसेंट मीटिंग हेल्ड अंडर मेडिकल मिनिस्टर रघु शर्मा बाय व्यूइंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। द प्रपोजल मेड टू हाइक 100 MBBS सीट्स टू फर्दर स्ट्रेटन मेडिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल अटैच टू मेडिकल कॉलेजेस। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी MBBS पूर कोटा की 100 सीट्स बढ़ाने का फैसला लिया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कोटा, अजमेर और उदयपुर में। तो वही ये अभी रिसेंटली मीटिंग में मेडिकल मिनिस्टर रघु शर्मा के साथ ये फैसला हुआ है और इसी साल से सीटें बढ़ने वाली है। अभी प्रेजेंटली द 3 कंसर्न मेडिकल कॉलेजेस हैव एनुअल इनटेक ऑफ 150 स्टूडेंट्स ईच। विद द amendment introduced by the government, it has increased its annual intake capacity to 250 seats. Further, based on the requirement of multidisciplinary research unit, government has also proposed to improve facilities for research programs in medical colleges. So, guys, overall good news यही है कि 100 seats medical pool MBBS pool कोटा के under government of Rajasthan द्वारा increase हो चुकी है। और ऐसी regular updates के लिए हमारा channel Shiva Learning जरूर subscribe करें और कुछ फैक्ट्स, वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स MBBS एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लास्ट के 3 मंथ्स में उसकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।